असलम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार इंशाल्लाह चंद ही दिनों में रमज़ान की आमद आमद है मुसलमान होने के नाते यकीनन हमें मान ली एक बहुत खुशी का मकाम है कि अल्लाह ताला हमें एक और रमज़ान देखना नसीब फरमाए इसकी बरकतों से मुस्तफ़ी होने का मौका दें लेकिन उसके साथ इंसान होने के नाते थोड़ी सी अप्रीनशन भी होती है कि रोज़े में जो भूख नकाहत आ, प्यास का सामना करना पड़ता है और फिर पूरे दिन के रोज़े के बाद आम, अफ्तारी के टाइम पर अगर थोड़ा सा भी बेहतियाती हो जाए ज़्यादा खा लें तो पेट में गड़बड़ थोड़ा सा बोझलपन जो हो जाता है उससे थोड़ी सी परेशानी भी यकीन सब हो जाती है इसलिए हमें पता है कि रोज़ा आसान इबादत नहीं है इसी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इबादत मेरे लिए और मैं खुद ही इसका अजय दूँगा लेकिन आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ चीज़ें रोज़े में अपने खुद अपने लिए ख़ुद मुश्किल बना लेते हैं और आप देखेंगे कि रोज़े में एक्चुअली रोज़े को थोड़ा सा मुश्किल बनाने में तीन फैक्टर्स तीन चीज़ें अहम हैं पहली बात तो यही है कि शहरी से लेके कर अफ्तारी तक खाली पेट रहना है फास्टिंग करनी है और इस दफ़ा जो रमज़ान आ रहा है वो तकरीबन चौदह चौदह घंटे का रोज़ा बनेगा तो इसका मतलब यह है कि शहरी से लेके कर अफतारी तक चौदह घंटे खाना पीना बंद करना पड़ेगा और फिर ये जो फास्टिंग का टाइम है रोज़े का जो टाइम होता है वो होता भी दिन का टाइम है जिस वक्त आपको काम काज भी करना है दफ्तर वाले ने दफ्तर जाना है स्कूल वाले ने स्कूल जाना है कारोबार वाले ने अपनी दुकान वगैरह पे जाना होता है तो एक काम का टाइम होता है बाहर दिन भी गर्म होना शुरू हो जाता है और फिर रमज़ान की वजह से हमारी अलहमद इबादत नमाज और बाकी दिगर तलावत वग़ैरह की तरफ तो जो भी कुछ बेहतर हो जाती है तो इसलिए काम का बोझ एक्चुअली डबल हो जाता है अपना काम भी और साथ में कुछ इबादत की मशक्क़त भी तो ये तो एक ऐसी बात है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है जाहिर है रोज़ा चौदह घंटे का अल्लाह की के तो तसुका हमें चौदह घंटे का ही रहना है आजकल ठीक है होना भी दिन के टाइम पर है हमने काम भी करना है तो ये तो वो पहली चीज़ है जो रोज़े को मुश्किल बनाती है लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन जो अगली दो चीज़ें हैं जो रोज़े को मुश्किल बनाती हैं वो यकीनन हमारे कंट्रोल में है उसमें से एक तो ये है कि हम रमजान में खाते क्या है रमज़ान में हमारे मेन्यू में ऐसी ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो मान दिनों में नहीं खाते और वो सेहत के लिए इतनी अच्छी भी नहीं होती और फिर हम उसको कैसे खाते हैं ये वो तीसरा फैक्टर है जो कि रोज़े को मुश्किल बना देता है कि खास तौर पे अफ्तारी के टाइम पे बस का हम एकदम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हमारे निज़ाम निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा बोझ बन जाता है तो दोस्तों एक सेकंड के लिए देखिए कि हमारा रिवायती जो हमारे घरों में रमज़ान का मेन्यू है वो क्या चल रहा है हम उसमें किस किस्म की चीज़ें खाते हैं आम तौर तो पर एक तो आप देखेंगे कि हमारे दस्तरखान पे समोसे पकोड़े तले हुए चिप्स हलवा पूरी नारी इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं हालांकि आम दिनों में हमारे खाने का ये इतना हिस्सा नहीं होती और अब ये सारी की सारी चीज़ें फ्राइड हैं यानी कि तेल में तली होती हैं और बहुत फैटी होती है चिकनाई की एक बड़ी मकदार होती है दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे कि रमज़ान में हमारी खुराक का हिस्सा बन जाती है वो ये होती है कि हम बेसन और मैदा बड़ी मकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं समोसे हों या पकोड़े हों या पूरी हो तो आप देखते हैं कि जो पकोड़े हैं वो बेसन से बने होते हैं समोसे पूरी कचौरियाँ और बाकी चीज़ें इनमें मैदे का बहुत इस्तेमाल होता है और बेसन और मैदा जो है वो मैदे के लिए इतना अच्छा नहीं होता आंतों पर सोजिश करता है कब्ज़ का बायस बनता है अच्छा इसके साथ जो मीठा हम इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में उसमें भी जो चीज़ें होती हैं वो हैवी होती हैं बहुत बहुत ज़्यादा मिठास और शुगर होती है उसके अंदर जैसे जलेबी मिठाई मुख्त के हलवे बहुत सारी स्वीट डिशेज जो हैं वो तैयार की जाती हैं और जो मशरूबात भी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लाल शरबत का बहुत सारा इस्तेमाल होता है स्क्वाश कोला ड्रिंक्स वगैरह होते हैं इन तमाम चीज़ों के अंदर शुगर की ना सिर्फ बड़ी मक़दार होती है बल्कि ये जो शुगर्स हैं इनको क्विक शुगर्स कहते हैं क्विक शुगर्स का मतलब ये है कि इनमें जिस किस्म की निशास्ता या जिस किस्म की शुगर होती है वो जिसम में शुगर की मकदार को एकदम बहुत ऊपर लेके जाती है उसे तोनाई तो फ़ौर बहाल हो जाती है लेकिन बॉडी में इस ये बहुत थोड़ी देर के लिए रह सकती है और फिर तकरीबन तीस चालीस पैंतालीस मिनट ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे में ये जिसम से खारिज हो जाती है या जिसम इसको चर्बी में कन्वर्ट कर देता है उसका नतीजा क्या होता है कि चंदी मिनट ज्यादा से ज्यादा चालीस पैंतालीस मिनट घंटे में फिर भूख का एहसास फिर वही निकाह फिर हुई कमजोरी तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रमज़ान में ट्रेडिशनली रिवायती तौर पे हम जो खाने इस्तेमाल करते हैं वो असल में रमज़ान की से मुताबिकत रखते नहीं हैं सेहत के हिसाब से वो अच्छे खाने अच्छी जाएँ नहीं हैं हालांकि रमज़ान के लिए अल्लाह की मेहबानी से बहुत अच्छी अच्छी जाएँ दस्तियाब हैं अगर हम इन ओं की बजाय जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं अच्छी झजाएँ सेहतमंद फ़र्त बख्श गएँ इस्तेमाल करें तो हमारे लिए रोज़ा इनशा नस्बता बहुत आसान हो जाएगा मैं अब आपको पाँच ऐसे ग्रुप्स के बारे में बताने लगा ख़ुराकों के जिन में से हमें ज़्यादा अपना मेन्यू चूज़ करना चाहिए कि हम रमज़ान में क्या पकाएँ तो इन शो मेन्यू ज़्यादा हेल्दी होगा ज़्यादा सेहत बख्श भी होगा ज़्यादा तोानाई बख्श भी होगा अच्छा इन पाँच ग्रुपों में से दोस्तों जो पहला ग्रुप है जो आम दिनों में भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन शायद इतना ज़्यादा नहीं हमें इसको थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है रमज़ान में तो और ज़्यादा वो है फ्रूट और सब्ज़ियाँ यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम और तोहफ़ा है अल्लाह ताला ने इनको खसूसी तरीके से तख्लीक़ किया ये एक स्पॉन्ज की मान्य है जैसे फोम या स्पॉन्ज का एक टुकड़ा होना तो उसको जब आप पानी में भिगोते हैं तो बहुत सारा पानी उसके अंदर आ जाता है ठीक है और यह जूस की शक्ल में है जैसे आप देखते हैं कि सेब है या किन्नू है या तरबूज को देखें जब आप उसको निचोड़ते हैं तो बहुत बड़ी मकदार में पानी जूस की शक्ल में बाहर निकल आता है तो ये सब्ज़ियाँ और ये फ्रूट अपने अंदर पानी की एक बड़ी मिकदार को ट्रैप करके फंसा के अंगेज करके रखती है और उस पानी के अंदर बहुत सारे सारेमंद चीज़ें होती हैं एक स्पेशल किस्म की फ्रूट शुगर होती है और ये शुगर क्विक शुगर जैसी नहीं होती है कि जैसे कि लाल शरबत में या बाकी मिठास वाली चीज़ों में जिसमें हम चीनी मिलाते हैं बल्कि ये कंपाउंड शुगर्स होती हैं ये बड़ी देर तक कई घंटों तक हमें तो प्रोवाइड करती हैं तो फ्रूट और सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा पानी होता है जो आता कई घंटों तक हमारे जिसम को जो है ना हाइड्रेट करता है हमारे में पानी की कमी को दूर करता है इसमें बहुत सारी तोानाई होती है वो भी एकदम नहीं निकल आती वो भी कई घंटों तक तो आस्ता आहस्त निकलती रहती है और फिर तीसरी बात है इनके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है फ़ाइबर भी बहुत अहम है गज़ा में फ़ाइबर जो है ये गज़ा का वो हिस्सा है जो जजब नहीं होता बल्कि एज सच पखाने की शक्ल में निकल जाता है लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है आप इसको यूं समझें कि ये कॉटन की एक रुई की बॉल की तरह से होता है कि जब ये आंतों में से गुजरता है तो आंतों में जो जहरीले फासद और खराब मादे हैं उनको जजब करता है वो अपने साथ ले जाता है आंत की बहुत ज़बरदस्त सफाई करता है और फिर कब्ज़ को रोकता है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल बहुत ज़बरदस्त है ये पहला ग्रुप है दूसरा ग्रुप में अनाज और दालें हैं यानी सीरियल और पल्स ये इसलिए बहुत अहम है कि इनमें तोानाई की एक बहुत बड़ी मक़दार है हम आम तौर पर इसको खाने के आदि हैं इसमें इसकी मिसाल के तौर पर घर की बनी रोटी है डबल रोटी है चावल दाल लोबिया वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो हम डे इन डे आउट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने के आदि हैं हमारा जिसम भी इसका आदि है वो इस पर खुश रहता है तो जो चीज़ें आम दिनों में हमारे लिए अच्छी हैं सेहत के लिए रमज़ान में भी अच्छी होनी चाहिए तो हमें अनाज और दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ये बहुत तोानाई बख्शे हैं और इनकी तोानाई भी बहुत देर तक हमें भूख का एहसास नहीं होने देती और हमें तोानाई मुहैया करती रहती है अच्छा जो तीसरा ग्रुप है वो डेरी प्रोडक्ट्स है यानी दूध से बनने वाली चीज़ें यानी दूध दही और लस्सी वगैरह ख़ास तौर तो पर अगर दूध के ऊपर से बलाई हटा ली जाए यानी स्किम्ड मिल्क और लस्सी जो है उसको ज़्यादा गाढ़ा ना किया जाए अगर जय जा, अगर कुछ लोग ना लस्सी के अंदर पेड़े या खोया या बर्फी मिला लेते हैं उसे लस्सी बहुत हीवी हो जाती है और फिर वही बात है कि उसमें चिकनाई की एक बड़ी मिकदार और मेदे और निज़ाम निज़ाम पे बहुत भारी हो जाती है आम हालात में भी ऐसी लस्सी अच्छी नहीं होती लेकिन रमज़ान के लिए तो बिल्कुल अच्छी रमज़ान में तो आप पतली लस्सी इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक चाहें तो थोड़ा सा नमक या चीनी मिला लें लेकिन ज़्यादा नहीं ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत तोानाई बख्श और बहुत जिसम के लिए को फ़र्हत पहुँचाने वाले होते हैं चौथा ग्रुप जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो गोश्त है हर किस्म का गोश्त चिकन मटन बीफ फिश तो ये सारे गोश्त बहुत अच्छे हैं अलबा इसमें एक जो हमारी तरफ एक रिवायती तौर तो पर प्रॉब्लम है वो ये कि हमारी अक्सर डिशें या तो सालन में जब हम बनाते हैं तो बहुत सारा घी होता है उसमें तो बहुत मुर्गन हो जाती हैं या फिर वह फ्राई हुई होती है चिकन है तो फ्राई किया हुआ ठीक है समोसा है तो फ्राई किया हुआ चिकन रोल है तो फ्राई किया हुआ मछली है तो फ्राई की हुई आ, हमारे घरों में आमतौर तो पर फ्राई के अलावा या एक कन्वेंशनल सालन बनाने के अलावा दूसरी रेसिपीज या खाना पकाने की तरकीबों पे हमारी खातिन इतना गौर नहीं फरमाती हैं मेरी गुजारिश होगी कि आप नेट पे जा के देखिए मुझे याद है मेरी वालदा मछली बहुत अच्छी बनाती थी तो एक दो तो किचन में मछली बना रही थी तो मैंने अम्मी को बताया से जा के कहा कि अम्मी क्या हम इसको फ्राई करने के अलावा कुछ और ना कर लें आज तो अम्मी ने हैरान हो के मेरी तरफ देखना शुरू कर अच्छा फ्राई के अलावा भी मछली बनाई जा सकती है तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस किस्म के जो अल्टरनेट तरीके हैं खाना पकाने के जिसमें बहुत ही मज़े की और बहुत ही झाइथ बजा बनती है सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है हम ट्रेडिशनली पाकिस्तान और हमारे जो इलाके हैं इसमें वो इतनी इस्तेमाल नहीं होती है हमें वो करने चाहिए जिसमें मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हम जो अपनी गोश्त है और इसके साथ सब्ज़ियाँ हैं और अनाज है जैसे पास्ता वग़ैरह है सिर्फ आम नॉर्मल सालन बनाने के बजाय फ्राई करने की बजाय हम इनको बेक कर सकते हैं जैसे केक या पास्ता बेक होता है ओवन में रख के या इनको स्टीम कर सकते हैं या बॉयल कर सकते हैं तो स्टीम और बॉयल हुई सब्जियां या चिकन इसको बाद में अगर हल्का सा फ्राई पैन में हल्का सा तेल लगा कर रोस्ट कर लिया जाए तो ये बड़े मज़े की बनती है और ये तेल से बोझल भी नहीं होती हैं या इनको ग्रिल कर लिया जाए जैसे चिकन जो है उसको तिक्का बना लिया जाता है डायरेक्ट आग पे अंगारों पे सेक लिया जाता है वो भी बहुत मज़े का गाइत बख्श होता है लेकिन फिर एक बात है कि उसमें तेल की इतनी मिकदार नहीं होती या उसको रोस्ट कर लें तो जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें कोशिश करें कि फ्राई के अलावा और तरकीब भी देखें वो ज़्यादा ऐसा है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है ज़्यादा सेहतमंद है और रमज़ान के लिए तो बहुत ही अच्छा है और पांचवा जो ग्रुप है वो ड्रिंक्स है जाहिर है खाने के साथ हमें ड्रिंक्स भी चाहिए तो बजाय इसके कि लाल शरबत जिसमें बहुत सारी चीनी डली हो उसका बहुत सारा या स्क्वाश का इस्तेमाल करें आ, या बाज़ार के बने हुए डब्बे वाले जो ड्रिंक्स हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव तेज़ाब होते हैं एसड डाले होते हैं उसको महफूज रखने के लिए जिससे बहुत तेजाबीत पैदा हो जाती है आ, या उसकी बहुत हैवी सी लस्सी कोई बनाई हुई है जिसमें पेड़े डले हुए हैं या कोलास सेवन अप कोक पैपसी वगैरह किस्म की चीज़ें ये इतने सेहतमंद ड्रिंक्स नहीं हैं इसकी बजाय जो बेस्ट ड्रिंक है वो तो पानी है साफ़ शफाफ ताज़ा ठंडा पानी इस्तेमाल कीजिए या डी टॉक्स वाटर ट्राई करें आम हालात में भी और रमज़ान में डी टॉक्स वाटर बड़ा ज़बरदस्त है डी टॉक्स वाटर बनाने के लिए आप एक साफ़ पानी का जग लीजिए और उसके अंदर जो भी मौसम का फ्रूट या वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उनको काट के डाल दें खास तौर पे इसमें स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं स्ट्रॉबेरी के चार टुकड़े करके डाल दें सेब के कुछ टुकड़े करके डाल दें इस तरीके से खीरा भी इसको बहुत अच्छा है इस काम के लिए तो औरज के जो फांके हैं चार पांच किनू की उसके अंदर छोटे से छोटे छोटे कांटे से सुराख करके वो डाल दीजिए पुदीना लाइटली कूट के इसके अंदर थोड़ा ताज़ा ला पुदीने के पत्ते वो कुछ डाल दें दो तीन चीज़ें मिला के भी आप डाल सकते हैं लेकिन डिटॉक्स वाटर कई घंटे पहले तैयार करें अच्छी बात है जो अफ़ारी पे यूज़ होना है उसको शैरी पे तैयार करें शैरी पे तैयार करके फ्रिज में रख दें तो ये जो फ़्रूट वेजिटेबल आपने डाली है उनके बहुत ही ज़बरदस्त गज़ाइत बख्श अज़ा और उनका फ़्लेवर और उनकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता उस पानी में शरायत कर जाती है तो जब आप वो पीते हैं पानी तो बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत सेहतमंद होता है इसी तरीके से बजाय डब्बे का जूस यूज़ करने के फ़्रेश जूस यूज़ कीजिए दूध यूज़ करें लेकिन जैसे मैंने कहा है कि कोशिश करें बलाई हटा लें और पतली लस्सी यूज़ करें तो ये दोस्तों वो पांच ग्रुप्स हैं तो आपके लिए मैं दुआ बता दूं कि एक तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का ग्रुप हो गया दूसरे नंबर पे अनाज सीरियल और उसके साथ दालों का ग्रुप हो गया तीसरे नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट दूध दही वगैरह और जब दही यूज़ करें तो दही का पानी ना फेंके वो बहुत ज़बरदस्त सेहतमंद होता है उसके अंदर प्रोबायोटिक होते हैं वो पेट में जो नुकसान जैसी में उनको मार देते हैं और चौथे नंबर पे जो हमारा अपना ग्रुप है वो गोश्त है सारे किस्म के गोश्त हैं लेकिन कोशिश करें कि उनको फ्राई करने के बजाय बेक करें ग्रिल करें स्टीम करें रोस्ट करें और फिर आखिर में ड्रिंक है जिसमें ड्रिंक्स में आप कोशिश करें पानी डिटॉक्स वाटर फ्रेश जूस दूध लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करें अब ये हैं वो ग़ाओं के पाँच ग्रुप जो कि सेहतमंद है आम दिनों में हमें यूज़ करने चाहिए रमज़ान के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं तो आप देखिए कि इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी शहरी और अफतारी के लिए क्या आ, आ, खाने जो है ना वो तैयार करें सबसे पहले शहरी को ले लेते हैं शहरी के लिए हमारी क्या तजावीज़ है तो दोस्तों शहरी के आगे रोज़ा आ रहा होता है शहरी के बाद आपने चौदह घंटे भूखा रहना है काम भी करना है थोड़ा सा गर्म टाइम भी है तो इसको मद्देनज़र रखते हुए शहरी में एक अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है अमूमन देखने में यह आया कि अफ्तारी तो पेट भर के कर लेते हैं फिर शैरी पर दिल नहीं चार रहा होता शैरी अच्छी की नहीं जैसे पानी पी कर रोज़ा रख लिया फिर सारा दिन परेशान हुए ऐसा ना कीजिए अफतारी को अपने हिसाब से कीजिए बहुत हैवी ना करें सैरी का टाइम रखें प्यारे नबी सल वसम ने भी ये फरमाया कि सैरी में बहुत बरकत है तो इसलिए सैरी के लिए खाना एक सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सैरी में रोटी लें डबल रोटी चावल दही दाल चना लोबिया आलू की भाजी बना लीजिए हलीम बहुत ज़बरदस्त है अगर आप उसमें मसाला ना डालें तो हलीम में गोश्त और दाल की मौजूदगी उसको प्रोटीन से बहुत रिच कर देती है बहुत ज़बरदस्त ख़ुराक है ये और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं चावल के साथ भी और डायरेक्टली चम्मच में खा सकते हैं लेकिन बहुत मुरगन गजाएँ जैसे सीरी पाए नारी पराठा वग़ैरह इनसे परहेज़ कीजिए ये सारा दिन आपको तंग करेंगे अच्छा शहरी में मशरूबात जो हैं वो वही जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है पानी है डिटॉक्स वाटर है जो आपने अफतारी पे डिटॉक्स बनाया वो शहरी के लिए इस्तेमाल करें और जो शहरी पे बनाया वो अफ्तारी के लिए इस्तेमाल करें इसके साथ लस्सी बहुत सेहत बख्श है और दूध जो है वो भी बहुत बख्श है लेकिन एक जो चीज़ है कोशिश करें कि शहरी के टाइम पर चाय और कॉफ़ी इस्तेमाल ना करें जब अगर बहुत मजबूरी है तो बहुत कम आधा एक कप ले लें उसकी वजह यह है कि चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफीन होती है कैफीन खून में जाके गुर्दे में खून की नाली को खोल देती है तो आपको ऊपर नीचे दो तीन दफा पेशाब आएगा जिसमें जिसकी वजह से आपकी जिसमें पानी की कमी हो जाएगी फिर आपको जल्दी जल्दी प्यास लगेगी और आप रोजे में परेशान होंगे अगर आपको चाय की तलब होती है तो कोशिश करें कि वो अफ्तार के टाइम पे पी लिया करें क्योंकि उसके बाद अगर दो तीन दफ़ा पेशाब आए भी तो आप मतदी दफ़ा पानी पी के उसकी कमी को दूर कर सकते हैं इसी तरीके से शैरी के टाइम पे बहुत फ्राइड चीज़ें खाना और बहुत नमकीन चीज़ें जिसमें जब बहुत नमक होता है मिसाल के तौर पर अचार इसे परहेज़ करें फ्राइड खानों से जो फूड फ्राइड हैं और जिन गज़ाओं में नमक की बहुत बड़ी मकदार होती है उससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है अच्छा दोस्तों ये तो हो गया कि हम सैरी कैसे करें एक दफ़ा जब आपकी सैरी मुकम्मल हो गई सैरी का टाइम ख़त्म हो गया तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खवातीन कोशिश करें कि सैरी के बाद 10 मिनट की हल्की सी अपने सहन में वॉक कर लें इससे शहरी का खाना थोड़ा सा आगे की तरफ रवाना हो जाएगा आपका पेट हल्का हो जाएगा आपको उसके बाद पूरा दिन काम काज में बहुत फ़र्त महसूस होगी और हज़रात के लिए तो बहुत ही आसान है हज़रा को चाहिए कि फजर की नमाज़ जो है वो अलहदुल्ल मस्जिद में अदा करें तो जब वो चल के मस्जिद जाएँगे और आएँगे तो जितनी ज़रूरी एक्सरसाइज है वो खुद ब खुद हो जाएगी अच्छा सैरी जब आपने कर ली और नमाज कैसे पढ़ ली तो कोशिश कीजिए अगर आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है तो कर लें लेकिन रमज़ान में कोशिश कीजिए कि दिन का आगाज़ जल्दी कीजिए लेट दिन शुरू करें कई दोस्त हैं जिनकी दुकानें होती हैं बहुत लेट दस ग्यारह बजे दुकान जाएंगे और फिर सात बजे थके हारे वापस आएंगे तो उसकी बजाय अगर हो सके तो अपने दफ्तर स्कूल कारोबार का टाइम अर्ली शिफ्ट करें मिसाल के तौर तो पर कोशिश करें कि आप सात बजे अपना काम शुरू करके एक बजे तक ख़त्म कर लीजिए ये वो टाइम होता है जबकि अभी सैरी आपने ताज़ा ताज़ा की होती है तोानाई की मकदार बेहतर होती है जिसमें पानी की मकदार है आपको उतनी नकाहत नहीं होगी उतनी तेज़ी से भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा और आप दिल जमई के साथ खूब दिल लगा के काम करेंगे और एक बजे जब काम खत्म हो तो सवा बजे डेढ़ तक आप इंशाल्लाह घर वापस तशरीफ ले आइए और इतमान से जोर की नमाज अदा करें कोशिश करें कि जोर और असर के दरमियान सुनत रसूल के मुताबिक कैलुला करें रेस्ट कीजिए दो घंटे ढाई घंटे इतमान से सोएं यह आपको बिल्कुल फ्रेश कर देगा और वक्त दिन का जो गर्म तरीन और सख्त तरीन वक्त है वह आपकी नींद में बड़ी आसानी से कट जाएगा इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहलुला बहुत पसंद था अच्छा जब उसके बाद आप असर के टाइम पे उठेंगे तो इतमान से असर की नमाज़ अदा कीजिए असर से मगरिब के दरमियान बहुत ही कम वक्त पड़ जाता है तकरीबन कोई सुबह एक घंटा इत, इतना एक टाइम बचा होता है नमाज़ पढ़ने के बाद तो उसको गुजारने के लिए मदा तो ख़वात तो बेचारी जो है उनको तो बहुत सारा काम होता है उन्होंने तो अफतारी तैयार करनी होती है मदा से हमारी गुजारिश है कि अफतारी की तैयारी में खवतानी के घर की खुवान की मदद करें उनका हाथ हाथ बटाएं इस तरीके से वो जो आम दिनों में हम अपने काम में लगे रहते हैं हमें अपने घर वालों के साथ इंटरेक्ट करने बात करने मिलने जुलने का मौका नहीं मिलता अल्लाह की मेहरबानी से रमज़ान की की वजह से एक मौका है कि हम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें ठीक है इससे आपस की मोहब्बत आपस की बॉन्डेज बढ़ती है मुझे पता है कि अक्सर हज़रा को खाना पकाना और इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं लेकिन कोई बात नहीं है इस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खाना पकाने में ही उनकी मदद कीजिए बर्तन लगाने में टेबल सेट करने में पानी बना दीजिए इसी तरीके से जूस निकाल लीजिए या अगर आपने फ्रूट बनाना है तो फ्रूट का फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट वगैरह बनाने में फ्रूट काटने में उनकी हेल्प कर दीजिए लेकिन थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम गुजारी है अच्छा अब देखिए इतने में अवतार का टाइम हो जाएगा अब ये बात है कि अवतार में क्या खाएं अच्छा देखिए शहरी में तो खाने में ये था कि उसकी गज़ाइत कितनी होनी चाहिए पानी की मकदार पूरी हो वगैरह वगैरह अवतार में दो मसाइल हैं एक तो हम ये भूल जाते हैं कि अवतार होते ही हमारे पास सिर्फ आधा घंटा नहीं है जिसमें हमने सब कुछ खा लेना है बल्कि अवतार से शहर तक तकरीबन दस घंटे हैं क्योंकि शहरी से अफतारी तक चौदह घंटे का रोज़ा है तो अवतार से शायद तक दस घंटे का टाइम है आप इस दस घंटे में जब मर्जी उठ के खा लें आपको अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी की तरफ से पूरी इजाज़त है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अवतार के बाद पंद्रह मिनट में सारा खाना खाएँ और हमारा पेट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो इसलिए हमारी आपको सजेशन रिकमेंडेशन गुज़ारिश जो है वो ये है कि प्यारे दोस्तों अवतार का खाना तीन मरतबा मतलब अपने अवतार को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए तीन सेशन हो आपके खाने के जो पहला सेशन है कि जब अफतारी का टाइम हो जाए तो सिर्फ अफतार कीजिए पूरा खाना मत खाइए उस टाइम पे सिर्फ अफतार का मतलब है कि एक दो या तीन दाने खजूर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी आपकी सुन्नत भी होगी तो सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा खजूर से हफ्तावार कीजिए और खजूर में तवानाई बहुत होती है फौरी तौर पे वो जो आपको रोज़े की नकात हो रही है उसको दूर करेगी इसके अलावा खजूर में बहुत सारे अहम मिनरल होते हैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अल्लाह तौस छोटे से फ्रूट के अंदर इकट्ठे कर दिए हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों को शुगर है डायबिटीज़ है लेकिन वो रोज़े रख रहे हैं वो भी एक खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं तो सुनत नबी समझते हुए वो वह सवाब की नीयत से एक खजूर ले लें उसी सेफ्ताह कर लें इस खजूर के साथ एक या डेढ़ गिलास मशरूब का लीजिए लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ना लें फ़ौरी तौर तो पर आगे मजीद टाइम है मैंने आपको बताया दस घंटे पड़े हैं खाने के लिए आगे हम दोबारा पानी और पी सकते हैं तो फौरी तौर तो पे जब आप रोज़ा अफ्तार करें एक या डेढ़ गिलास से ज़्यादा न लें देखें रोज़ा तो नाम ही सेल्फ कंट्रोल का हम अपने ऊपर एक हद लगा करते हैं सारा दिन अल्लाह की नमित माए सामने पड़ी होती हैं लेकिन क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तो चौदह घंटे हम कुछ नहीं खाते तो अब हम सबक दामन एकदम क्यों हाथ से छोड़ दें तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए एक या डेढ़ गिलास अच्छा सा पानी ले लीजिए डिटॉक्स ले लें या कोई फ़्रेश फ्रूट जूस लस्सी दूध जो भी आपको पसंद है या मिला जुला के इन सब को थोड़ा थोड़ा ले लें लेकिन डेढ़ गिलास से ज़्यादा फ़ौरन लें वरना आपके पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और इसके साथ थोड़ा सा फ्रूट लीजिए अच्छा फ्रूट लेने के कई तरीके हैं मैंने ज़रा आपसे जिक्र किया फ्रूट बहुत फ्रूट और सब्ज़ी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए अफ्तार के लिए आप फ्रूट फ़्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं मतलब जो भी आपको दस्याब है सेब है कीनू माल्टा है अमरूद है आजकल स्ट्रॉबेरीज़ वग़ैरह हैं जो भी आप लेना है या तो फ्रूट खा लें डायरेक्टली काट के या इससे भी अच्छा और रमज़ान के हिसाब से एक ज़्यादा मुनासिब तरीका यह है कि आप फ्रूट से फ्रूट चाट बना लें फ्रूट चाट बनाने के लिए आप ताज़ा फ्रूट और ये घर पे बनाइए बाज़ार से ना मंगवाएं क्योंकि बाज़ार से एक तो फ्रूट जो उसमें डला होता है वो अच्छा गुड क्वालिटी नहीं होता बाज़गत गला होता है और मसाला बहुत होता है आप इसमें मसाला डालने की खासतौर तो पे रमज़ान वाली चाट में तो रमज़ान मसाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए बहुत कम तो आप ताज़ा फ्रूट काट लीजिए और इसको तकरीबन असर के टाइम पर बनाइए ताकि बाद में फ्रिज में रखें तो ये ठंडी हो जाए और फिर बहुत ही ये फ्रेश होती है जब आप इसको अवतार के टाइम पर खाते हैं तो फ्रूट काट के तो अगर आपने एक बॉल तकरीबन एक किलो का फ्रूट का बॉल बना लिया काट के मुख्य फ्रूट मिला के तो उसमें तकरीबन दो किनो निचोड़ लीजिए उसका जूस और तकरीबन आधी प्याली मैंगो जूस डाल दें और अगर ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा सा चाट मसाला बहुत थोड़ा सा चंद चुटकियाँ और या फिर सादी नमक या डाल के उसको अच्छी तरह मिला लें बहुत ही तोानाई बख्श और बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ्रूट चाट तैयार हो जाएगी अगर आप इसमें जूस नहीं डालना चाहते और फ्रूट फ्रूट ऑरेंज जूस और मैंगो जूस नहीं डालना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें या एक आधा चम्मच जो है ऑलिव ऑयल का डाल दें तो ये फ्रूट सैलड बन जाएगी इसमें चाहें तो थोड़ी सी सब्ज़ी मिसाल के तौर तो पर गाजर है मूली है गोभी का फूल है जो कि आपने थोड़ा सा स्टीम किया हो उसको मिला लीजिए खीरा डालें तो ये फ्रूट सैलड हो जाएगी या दही को फेंट के उसमें थोड़ा सा फ्रूट डाल दें तो फ्रूट जॉगट बन जाएगी आजकल तो स्ट्रॉबेरी और बनाना डाल के और थोड़ी सी किशमिश उसमें डाल दें इतनी मज़े की फ्रूट जॉगट बनेगी तो कभी फ्रूट फ्रेश ले लें कभी चाट बना लें कभी सलाद बना दें कभी जोगट तो इस तरीके से मेन्यू भी चेंज होता रहेगा और फ्रूट भी जाता रहेगा तोानाई भी होगी और बेहतरीन ज़ायक़ा भी होगा तो इस तरीके से आप पहले सेशन में से फ्रू रोज़ाफतार करें खजूर से अफतार कीजिए थोड़ा सा अच्छा सा कोई ड्रिंक ले लें एक या डेढ़ ग्लासेस ज़्यादा ना लें और एक छोटी कटोरी फ्रूट की किसी शक्ल की सैलड या जो भी आपको पसंद है जो भी आपने बनाया वो ले लीजिए इसके बाद मगरब की नमाज के लिए तशीफ ले जाइए मरदात को चाहिए कि मस्जिद में जाएँ जब वो आएँगे जाएंगे मगरब की नमाज अदा करेंगे तो इन शाला इस थोड़ी सी वर्जी से वो खाना फौरी तौर पर हज़म हो जाएगा और जब आप मगरब की नमाज़ पढ़ के वापस आएँगे तो अवतार डिनर के लिए बिल्कुल रेडी होंगे ये आपका दूसरा सेशन शुरू होगा देखिए अल्लाह की नहमत को जो खाना पीना है और उसका ज़ायका है और उसको जो हम इंजॉय करते हैं आप एक दफ़ा क्यों इन्जॉय कर रहे हैं सिर्फ पंद्रह मिनट के लिए और उसके बाद तंग हो रहे हैं आप इसको तीन दफ़ा इंजॉय कीजिए ना और आपका पेट भी ठीक रहे एवरी टाइम आप फैमिली के साथ बैठे फैमिली के साथ आपका इंट्रैक्शन फैमिली टाइम हाई क्वालिटी टाइम बेस्ट फूड के साथ बेस्ट इन्जॉयमेंट के साथ तो हमारा सेशन नंबर टू शुरू होता है उसमें आप अवतार डिनर कीजिए अच्छा अवतार डिनर के लिए हम आपको ये कहेंगे कि अक्सर वही चीज़ें लीजिए जो हम खाने पीने के आदि है मिसाल के तौर तो पे घर में चपाती बनाइए हल्का सा सालन बनाएं, बनाएं जिसमें घी बहुत ज़्यादा ना हो सब्ज़ी की एक डिश बना लिया करें सब्ज़ी बहुत फ्रूट की तरह सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है इस एक से चावल दाल लोबिया दही और रायता ये सब अफ्तारी के लिए बहुत आलीशान है इस तरीके से अगर आपको गोश्त चाहिए तो उस गोश्त का सालन बनाएँ या फिर गोश्त मतलब चिकन वग़ैरह आप अदरवाइज भी बना सकते हैं और जैसे मैंने अर्ज़ किया कोशिश करें कि इसको फ्राई ना करें या ब्रोस ना करें ब्रोस भी डीप फ्राइंग होती है बल्कि उसकी बजाय कोशिश कीजिए कि नई नई डिशेज सीखें गोश्त जो है ना मुख्त किस्म का बजाय इसके चिकन है तो फ्राई हो रहा है मछली है तो फ्राई हो रही है उसको बेक करें स्टीम करें ग्रिल करें रोस्ट करें डेली किसी कोई नया काम करने की कोशिश करें इस तरीके से ये हेल्दी भी होगा और ज़्यादा मजे का भी और कोशिश कीजिएगा कि मिसाल के तौर पर अगर आपने चिकन रोस्ट बनाया है, तो कुछ सब्जियां जो है ना उनको स्टीम करके फ्राई पैन में हल्का सा फ्राई कर दें इसमें ज़्यादा तेल नहीं होता बहुत थोड़ा सा तेल इस्तेमाल होता है तो उसको रोस्ट के साथ सर्व करें सबको बहुत मज़ा आएगा सब इस खाने को बहुत इंजॉय करेंगे तो ये आपका अफ्तार डिनर है और इसके साथ फिर मशरूब वही फिर पानी का इस्तेमाल करें जब आपको डीटॉक्स पानी की आदत हो जाएगी तो आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे उसमें हल्का सा फ्लेवर आ रहा होता है फ्रूट का जो आपने उसमें डाला होता है या फिर फ़्रेश फ्रूट जूस लस्सी दूध और अगर चाहें तो दूध में अफतारी के लिए हल्का सा सोडा मिला लें थोड़ी सी सेवनअप या कोक मिला लें तो की तब्दीली के लिए या कुछ लोगों को बच्चों को खसूसा थोड़ा सा अगर दूध में लाल शर्बत मिला दें तो वो बड़ी रगबत से उसको पी लेते हैं आ, इसके बाद अगर आपको स्वीट खाने की मीठा खाने की ख्वाहिश हो रही हो वैसे तो सुनत भी है कि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो तो बजाय कन्वेंशनल मीठे खाने के हलवे और इस किस्म की चीज़ें और बहुत मीठी चीज़ें जिसमें क्विक शुगर्स होती हैं और बाद में आपको प्रॉब्लम करती हैं वज़न भी बढ़ जाता है उनसे उसकी बजाय कोशिश करें कि जो अफ्तार के सेशन वन में अफ्तार के टाइम पे आपने फ्रूट सेलेड या फ्रूट योगर्ट या फ्रूट्स चाट बनाई थी अगर उसमें से कुछ बचा हुआ है तो वो थोड़ा सा खा लीजिए तो ये है आपका दूसरा सेशन तो अफ्तार के बाद कोशिश करें कि मधात एक दो फिर ख़ुत की मदद कर दें टेबल समेटने में बर्तन समेटने में इससे फिर एक दफ़ा आपको फैमिली टाइम मिल जाएगा इतने में इशा का टाइम हो जाएगा तो इशा और तरावी के लिए तशीफ़ ले जाइए जब आपने ये लाइट सा लेकिन तोानाई बख्श डिनर किया होगा ना आप हैवी होंगे और ना ही आपको कोई भूख या निकाहत महसूस होगी आप खूब दिलजमई के साथ इशा की नमाज़ अदा करें तरावी पढ़ें अच्छा ये बात कह चे खाने से तो मुतक नहीं है लेकिन मैं दिल कहता है कि मैं आपको कह दूँ कि रमज़ान में कोशिश किया करें कि एक दिन पहले अपने कारी साहब से पूछ लें कि अगले दिन तरावी में उन्होंने कौन सा हिस्सा कुरान पाकतला करना। मसन्ना आपको वो बताएंगे कि जी कल हम सूरत बकरा की आयत से लेकर से सौ दो सौ बयालीस तक तलावत करने लगे हैं तो बाकी भी सारी इबादत कीजिए तलावत करें कुरान पाक पढ़ें सब कुछ कीजिए लेकिन इन आयत को ज्यादा गौर से पढ़ लें उनका तर्जमा पढ़ लें उसे ये होगा कि जब आप तरावी पढ़ रहे होंगे ना तो इन क्योंकि आपने ताज़ा ताज़ा तर्जमा पढ़ा हुआ है और हम अरबी के बहुत से लफ्ज़ जो है उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो जैसे इमाम साहब किरत कर रहे होंगे तो बेशक मुझे अरबी ना भी आती हो मैं उसको फॉलो कराऊँगा मेरा दिल उधर लगेगा दिल टिकेगा मैं अपनी दिल की रगबत से अल्लाह की तरफ रागब होकर इन शाला तरावी गौ से सुनूँगा और अल्लाह का कलाम सुनने और समझने की कोशिश करूँगा और अल्लाह ने तोफ़ी दी तो इनशा भी उस पर करूँगा अच्छा उसके बाद फिर जब आप वापस आएंगे ईशा की नमाज़ पढ़ के और आपने हमारी हिदायत के मुताबिक जो है बिल्कुल लाइट सी रफ्तारी की होगी उसके बाद एक अच्छा सा लेकिन बहुत हैवी नहीं डिनर किया होगा तो ईशा की नमाज़ तरावी से वापसी पर आप यकीन कीजिए आपको फिर थोड़ी सी भूख लगी होगी तो आप चाहे तो रात को सोने से पहले एक छोटा सा सेशन कर लें आधी एक चपाती थोड़े से चावल ले लीजिए थोड़ी सी हलीम पड़ी है तो दो चार चम्मच वो खा लें या अगर आप बिल्कुल नई चीज़ खाना चाहते हैं तो इस टाइम पे एक स्मूदी बना के ट्राई कीजिए स्मूदी रात को सोने से पहले बहुत गज़ाइत बख्श है फीलिंग कर देती है आपको भी तसली भी होगी और बड़े मज़े की भी होती है और इसके लिए आप क्या कीजिए जो भी ताज़ा फ्रूट है मिसाल के तौर पर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी तीन चार स्ट्रॉबेरीज एक केला लेके तो उसको ब्लेंडर में यानी मिल्कशेक वाली मशीन में डालें उसमें थोड़ी सी दही और थोड़ा सा दूध मिला के ब्लेंड कीजिएगा बहुत ही सेहतमंदमंद और बहुत ही की स्मूदी बनेगी कोशिश करें इनमें चीनी ना डालें फ्रूट का अपना ज़ायक़ा इंजॉय करने की कोशिश करें तो आप दोस्तों देखिए अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप उफ्ता में खाने के तीन सेशन करेंगे तीन दफ़ा खाना इंजॉय करेंगे तीन मरतबा ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे आपकी तवानाई बहाल रहेगी हाइड्रेशन रहेगी ना आपको भूख सताएगी ना प्यास होगी और किसी भी टाइम क्योंकि आप आहस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं आपका मैदा जो है वो तंग नहीं होगा ये नहीं होगा कि आपका पेट जो है ना वो पानी पी पी के यहाँ पहुँचा हुआ है और तंग हो रहा है उसी चक्कर में मगरब शाह की नमाज़ भी गई तो देखें उस रोज़े का क्या फ़ायदा है जहाँ पर फर्ज नमाजें खसा हो जाए तो दोस्तों ये हमारी गुजारशा थी कि हम शहरी अफ्तारी में कैसे खाए तो हमारा रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरे पेट के हिसाब से सेहत के हिसाब से इबादत के हिसाब से बरकतों के हिसाब से और फैमिली में आपस में मोहब्बत के हिसाब से आखिर में तीन छोटी छोटी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है पहली बात तो यह है कि जब सैर व बना रहे हो मेहरबानी कीजिए अच्छी तरह देखें कितने लोग हैं जितने लोग हैं उसी हिसाब से अवतार बनाइए उसी हिसाब से सैर बनाइए ताकि रिस्क ज़ाये ना हो लेकिन जितनी आपकी ज़रूरत है उसे दस या पंद्रह फ़ीसद थोड़ा सा ज़्यादा बनाइएगा ये जो आप टेन फिफ्टीन परसेंट एक्स्ट्रा अवतार बनाएंगे ये ये उन दोस्तों का हमसायों का और ज़रूरतमंदों का हिस्सा है जिनको के आपकी मदद की ज़रूरत है यही रमज़ान की स्पिरिट है हमने बाकियों का भी तो ख्याल रखना है और ये तो बहुत ही बरक़तों का महीना है तो अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा शामिल कीजिए अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत देगा और दूसरी बात जो हमारी गुजारिश है छोटी सी वो हमारे उन दोस्तों से है जो स्मोकरस हैं आपने गौर किया जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप चौदह घंटे सिगरेट के बग़ैर गुज़ारा कर लेते हैं चौदह चौबीस घंटे में फ़र्क ही कितना है थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और इस मुसीबत से जान छुड़ा लीजिए यकीन कीजिए सिगरेट पीना बीमारी को दावत देने के बराबर है और बहुत सारे मसाइल का बायस बनता है अगर खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता इस सिगरेट की वजह से आपकी सेहत में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो आपकी फैमिली के लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा अल्लाह आपको अपने हिज़ुम मान में रखे हमारी आपसे गुजारिश है कि देखिए ये बड़ा अच्छा मौका है रमज़ान की बरकत को इस मौके का फ़ायदा उठाएँ चौदह घंटे आप पहले भी नहीं पी रहे थोड़ी सी और हिम्मत कीजिए और इस मुसीबत से जान छुड़ा लीजिए और तीसरी हमारी गुजारिश यह है कि बाकी बादात की तरह रोज़ा भी एक तरबियत है इसमें हम अच्छी आदतें खाने पीने की अच्छी आदतें रहने सहने की अच्छी आतें सीखते हैं कोशिश करते हैं झूठ ना बोलें किसी पर ज़्यादी ना करें किसी से ऊँचा ना बोलें किसी की हिबत ना करें तो ये अच्छी आदतें खाने की रहने की सहने की जो हमने एक महीने के लिए अपनाई हैं तो इनको अगले महीने ग्यारह महीने में छोड़ थोड़ी देना बल्कि रमज़ान में जो हमने बातें सीखी हैं इनको हमने आगे लेके इन श्ला चलना है तो इनको भुलाना नहीं है हमने तो इसको याद रखिए आखिर में मैं गुजारिश करूँगा कि ये सारी बातें जो हमने की हैं लोगों के लिए हैं जो माशा अदरवाइज सेहतमंद हैं लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको शुगर या ज़्यादी तीज़ है और उनके लिए रोज़ा एक नया चैलेंज ले आता है तो हमने उन दोस्तों के, ए, के लिए एक खसूस वीडियो जो है ना उसका एहतमाम किया है हमने ए, हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर हामिद फारूकी साहब जो डायबिटीज़ में दुनिया की लेवल के एक्सपर्ट हैं अमेरिका से उनकी सारी ट्रेनिंग हुई है हारवर्ड मेडिकल स्कूल की फैकल्टी हैं यानी वहाँ पे हारवर्ड मेडिकल स्कूल में आप समझे पढ़ाते हैं उस्ताद हैं वहाँ पे और इस वक्त दुबई के जो डायबिटीज़ सेंटर है दुबई डायबिटीज़ सेंटर के डायरेक्टर हैं और शुगर में शुगर के मरीजों के इलाज में खसूसी तौर पर शुगर के मरीज़ जब रोज़ा रखते हैं तो उसमें एक खसूसी महारत रखते हैं हमने उनके साथ एक नशित का अहतमाम किया है हम इनशाला उस पर मबनी एक वीडियो खसूसी तौर पर अगले चंद दिनों में आपके लिए अपलोड कर देंगे इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जैसे ये वीडियो डायबिटीज़ वाली वीडियो और अगली जितनी भी इस किस्म की वीडियो हमारे चैनल पे आए आपको फौरन उसकी इतला मिल जाए हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको आपकी फैमिली के तमाम अफराद को खुशियों रहमतों और सेहत से भरा हुआ भरपूर रमसानता फ़रमाए अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए हमारे चैनल इफ्तार टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइएगा अपने और अपने आसपास के लोगों का रमजान में खसूस ख्याल रखें और आगे भी ख्याल रखिए अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो सलामैलकम वरक